सो हाई एवरी वन एंड वेलकम टू दिस वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी गूगल की एक्स्ट्रा ट्राउंडेड ट्वेंटी ट्वेंटी प्रॉब्लम नंबर फोर सी इट्स एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन एंड द कोड आई हैव गिवन इट इन द कॉमेंट बिलो ठीक है प्रॉब्लम का नाम है बंडलिंग ठीक है uh, ये एक्सटार्ट अराउंडेड ट्वेंटी ट्वेंटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन था और सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ूंगा पर, उसको ब्रेक डाउन करेंगे प्रॉब्लम को समझेंगे आई विल सजेस्ट कि आप पहले प्रॉब्लम पढ़ लीजिए क्या है और फिर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखेंगे और फिर जो गिवन एग्जाम्पल है उसको भी सॉल्व करके देखेंगे सो आई स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन पिप हेज एन स्ट्रिंग्स ईच स्ट्रिंगल ए टू कैपिटल जेड पिप वुड लाइक टू बंडल दियर स्ट्रिंग्स इन टू ग्रुप्स ऑफ साइज के ईच स्ट्रिंग मस्ट बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ग्रुप ठीक है तो क्या बोला है कि एन स्ट्रिंग्स है ठीक है इन स्ट्रिंग्स को हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है सच दैट सभी सच दैट इच ग्रुप इज ऑफ साइज के और जो स्ट्रिंग है वो एक ही ग्रुप में आनी चाहिए मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए इसमें भी है इसमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये, ये दिया गया है द स्कोर ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रिफिक्स शेयर्ड बाय ऑल द ग्रुप इन दैट स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो कोई एक ग्रुप है स्ट्रिंग्स का मान लीजिए तो उसका स्कोर क्या होगा फॉर एग्जाम्पल जो यहां पे दिया गया है रेनबो रैंक रैंडम और वापस से रैंक तो ये एक सेट दिया गया है तो इसका स्कोर क्या होगा स्कोर विल बी इक्वल टू all लॉन्गेस्ट strings. मतलब जो सब में कॉमन हो ठीक है तो इन दोनों में कॉमन क्या है आर अब इन दोनों में क्या आर ए आरए के साथ यहां पे भी आर ए यहाँ पे आर एन है आर एन है आर एन है, है, है बट इसमें एन नहीं है तो लॉन्गेस्ट क्या हुआ आर ए आर आर ए आर ए तो इसकी लेंथ क्या है टू तो इस सेट का स्कोर हो गया टू ओके प्लीज़ हेल्प पिप बंडल दियर स्ट्रिंग्स into groups ग्रुप्स ऑफ साइज के सच दैट सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ ग्रुप्स इज Okay, ओके ठीक है और क्या दिया गया है इनपुट का तरीका दिया गया है और constraints में मैंने यहाँ पे लिख दी है यहाँ पे एन modulo k के इक्वल टू जीरो दिया है तो के साइज के जो हम बंडल्स बनाएंगे एन स्ट्रिंग्स में से वो हम मतलब कोई भी स्ट्रिंग बचेगी नहीं सभी एक ना एक ग्रुप में आ जाएगी ठीक है तो बोला गया है कि ये जो हम एन स्ट्रिंग्स है उनको हम के के ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं ठीक है तो इसका कुछ स्कोर होगा एस वन इसका कुछ होगा एस टू इसका कुछ होगा एस थ्री ये किस पे डिपेंड करेगा कि हम ग्रुप्स किस तरह से बना रहे हैं तो बोला गया है कि मान लो यहाँ पे एस वन एस टू एस थ्री तीन ग्रुप बन रहे हैं तो ये जो है इसको मैक्सिमाइज करना है ठीक है ये हमारा क्वेश्चन है इस तरह से हमें ग्रुप ऑफ साइज के में डिवाइड करना है सच दैट कि उनका जो स्कोर का सम है वो मैक्सिमम हो ठीक है अब सबसे पहले पार्ट पे आ जाते हैं कंसेप्ट पे ठीक है अब यहां पे बोला गया है कि स्कोर ऑफ अ बंडल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स शेयर्ड बाय ऑल द स्ट्रिंग्स ठीक है तो मान लो अभी के लिए के को क्या वैल्यू क्या होगी ये मत देखो मान लो ये ए बी सी डी ई ठीक है ए बी सी ई एफ ए बी सी एक्स वाई ठीक है मान लो ये है के वैल्यू थ्री है एंड कुछ भी हो सकता है मान लो यहाँ पे के, के भी अभी जरूरत नहीं है वैसे तो इस ग्रुप का स्कोर क्या हुआ थ्री क्यों क्योंकि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स जो सब में कॉमन है वो है एबीसी और उसकी लेंथ क्या है थ्री तो क्या मैं हम ये कह सकते हैं कि, कि किसी एक बंडल का जो स्कोर है वो है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स शेयर्ड बाय ऑल द स्ट्रिंग्स तो यहां पे जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स शेयर्ड है ठीक है ठीक है अगर हम इस प्रीफिक्स के भी सारे नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स ले तो सबका कंट्रीब्यूशन स्कोर में वन होगा जैसे कि ए का स्कोर क्या है वन ए बी का स्कोर वन ए बी सी का स्कोर वन इन तीनों का वन वन होगा, तभी ये थ्री है, समझ रहे हो? मैं क्या कह रहा हूं अगर जनरलाइज करें, तो कोई एक ग्रुप है के साइज का उसमें लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है एल तो इसका स्कोर क्या हुआ एल तो एल लेंथ का जो प्रीफिक्स है ठीक है तो इसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन वन होगा अगर ऐसा कह सकते हैं इसका कंट्रीब्यूशन वन है इतने लेंथ का कंट्रीब्यूशन वन है इतने लेंथ का कंट्रीब्यूशन वन है इतने लेंथ का कंट्रीब्यूशन वन है अब टू एल लेंथ तक सभी का कंट्रीब्यूशन वन तो टोटल एल ऐसा हम कह सकते हैं जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स कॉमन है उस प्रीफिक्स के सभी नॉन एम प्रीफिक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन वन वन है ठीक है ओके तो अभी हमें बोला गया है कि हमें जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज करना है तो अगर स्कोर को मैक्सिमाइज करना है तो दे, जिसका ओवरऑल मैक्सिमम हो जाएगा जैसे कि मान लो कोई प्रीफिक्स है पी ठीक है इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा टोटल ओवरऑल वन इसकी लेंथ एल वन होगी तो इसका कंट्रीब्यूशन एक बंडल मैं अभी एक बंडल की बात कर रहा हूं तो एक बंडल में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन L1 होगा लेकिन जो हमने अभी कंसेप्ट समझा कि उस बंडल का स्कोर तो L1 होगा लेकिन उस जो कॉमन प्रीफिक्स है उसकी भी हर एक प्रीफिक्स उसका कॉन्ट्रीब्यूशन वन वन होगा तो अगर लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स का लेंथ L1 है तो इस इस ग्रुप का स्कोर तो एलवन हो जाएगा लेकिन जो लॉन्गेस्ट प्रिफिक्स एलवन तक जा रही है वन टू थ्री फोर उन सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन वन वन होगा ठीक है तो कोई भी एक प्रिफिक्स हम उठा लेते हैं ठीक है एक P prefix है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन एक केसाइफ के बंडल में अगर सभी में वो अवेलेबल है तो वन होगा ठीक है तो अगर ये जो पी प्रिफिक्स है ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स में अवेलेबल है ठीक है और टोटल हमारे पास एन स्ट्रिंग्स है ठीक है तो अगर सी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स में ये अवेलेबल है तो इस प्रीफिक्स का मैक्सिमम स्कोर कितना कर सकते हैं एक बंडल में टोटल अवेलेबल है K के बंडल हमें करने हैं और इसकी फ्लोर वैल्यू ये समझ में है? ये एक बंडल में अगर कोई एक प्रीफिक्स वन का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है ठीक है हालांकि उसकी लेंथ L1 होगी तो L1 स्कोर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा लेकिन जो हमने सेकेंड कंसेप्ट देखा कि वो सभी प्रिफ, जो L1 लेंथ है वो वन टू थ्री सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन वन वन हम मान सकते हैं तो उस हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर प्रिफिक्स का स्कोर वन होगा और सी अगर अवेलेबल है तो मैक्सिमम मैक्सिमम सी बाई के इतना वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा कोई कंडीशन में क्योंकि सी स्ट्रिंग्स है तो सी बाई के ही e होगा ठीक है तो अगर हम सारी प्रीफिक्स जनरेट करें ठीक है जितनी भी अवेलेबल है एन स्ट्रिंग्स है ठीक है तो सभी स्ट्रिंग्स की सभी प्रीफिक्स और मान लो वो हमारे पास एम प्रीफिक्सेस आई ठीक है पी वन मतलब यूनिक ठीक है तो पी वन P2, P3, P4, अप टू पी एम ठीक है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा मान लो C1 काउंट है तो वन इंटू सी वन अपॉन के का फ्लोर वैल्यू इसका कितना होगा वन इंटू सी टू अपॉन के का फ्लोर वैल्यू इसका कितना होगा वन इंटू सी थ्री अपॉन के का फ्लोर वैल्यू अप टू वन इंटू C4 upon sorry सॉरी upon K अपॉन का फ्लोर वैल्यू यह सब जितनी भी पॉसिबल प्रीफिक्सेस uh, uh, थी वो यूनिक वो हमने जनरेट कर ली फिर उनके काउंटिंग जो थे सब स्ट्रिंग में से वो C1, C2, Cm तक थे तो मैक्सिमम जो ये कंट्रीब्यूट कर पाएगा वो इतना होगा मैक्सिमम ये कंट्रीब्यूट कर पाएगा वो इतना होगा मैक्सिमम ये कंट्रीब्यूट कर पाएगा वो इतना पीएम जो है वो मैक्सिमम वन इन सी एम अपॉन के कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगा ठीक है यहां पे समझिए इससे ज्यादा तो ये कर ही नहीं सकता इससे ज्यादा ये भी नहीं कर सकता तो अगर ये इंडिविजुअल प्रिफिक्सिस का मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन है ठीक है और यहां पे अगर हम सारे यूनिक प्रिफिक्सिस कंसिडर कर लेते हैं तो इनका जो सम होगा वो भी मैक्सिमम होगा तो इनका जो सम sum होगा समेशन सी आई अपॉन के का फ्लोर वैल्यू ये भी मैक्सिमम होगा सारी प्रीफिक्सेस हमने जनरेट कर ली इससे ज्यादा प्रिफिक्सिस नहीं हो सकती इस प्रिफिक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन ये मैक्सिमम है इससे ज्यादा नहीं हो सकता इसका ये मैक्सिमम है पीएम का ये मैक्सिमम है तो इनका जो सम होगा वो भी ये मैक्सिमम होगा इससे ज्यादा हम कॉन्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते स्कोर में ठीक है तो अगर ये हम कंसिडर करके चले और हम किसी तरह से प्रूव कर दे कि इस तरह से बंडल स्ट्रिंग्स को करना पॉसिबल है सच दैट ये इतना कॉन्ट्रीब्यूट कर पाई ये इतना कॉन्ट्रीब्यूट कर पाई ये इतना कॉन्ट्रीब्यूट कर पाई तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो हमारा आंसर यही है अब वो प्रूफ क्या है वो आगे देखते हैं तो बेसिकली हमें क्या करना है सभी प्रिफिक्स को जनरेट करना है यूनिक को उनकी काउंटिंग देखनी है बाई के का फ्लोर वैल्यू आंसर में ऐड कर देना है सिंपल है इतना बट उसका जो प्रूफ है कि इस तरह से क्या हम बंडल कर सकते हैं वो देखते हैं तो मान लो हमारे पास स्ट्रिंग्स है ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई ए बी सी ई एफ ए बी सी ई एफ ठीक है ए बी C, e F A B C D E A B C E F और A B C X Y ठीक है कितने हुई नाइन हुई ठीक है हमारे पास नाइन स्ट्रिंग्स है और K की वैल्यू थ्री है ठीक है तो अब यहां पे अलग अलग कितने यहाँ पे अगर हम जो मैक्सिमम लेंथ है कोई भी स्ट्रिंग की उस लेंथ के प्रिफिक्सिस से स्टार्ट करें तो यहां पे लेंथ क्या है फाइव तो मान लो एल इक्वल्स टू फाइव तो फाइव लेंथ के प्रीफिक्स तीन के बंडल में अगर कॉमन मिल जाए तो ई ए बी सी डी ई ई मिल गए ये भी मिल गए ठीक है ये तीन अलग है तो ये और ये इनको हम एक में बंडल कर सकते हैं यहां पे देखना यहां पे मैं इस तरह से लिख देता हूं ए बी सी डी ई ठीक है इसको यहां से निकाल देता हूं ये ई एफ तो इसके साथ कॉमन आ गया और ये एक्स वाई यहां पे तो ये चार को तो हम नहीं ले सकते क्योंकि के इक्वल टू थ्री है लेकिन तीन को तो ले सकते हैं तो इसका स्कोर कितना होगा क्योंकि अभी हम एल इक्वल टू सॉरी एल इक्वल टू फाइव की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये एक बंडल हो गया ये दूसरा बंडल हो गया ठीक है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा वन इंटू थ्री अपॉन थ्री प्लस वन इंटू थ्री अपॉन थ्री क्या हो गया टू हो गया ठीक है इसका मतलब हमने इनको एक बंडल में ले लिया और इनको एक बंडल में ले लिया ये वन ये टू ठीक है अब पांच की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अब मैं एल इक्वल टू फोर लूंगा तो अगर एल इक्वल टू फोर मैं ले रहा हूं तो अगर यहां पे हमने पांच लेंथ का जो कॉमन सबस्ट्रिंग था उसका अगर हमने बंडल बना लिया है तो उसमें फोर का तो ऑटोमेटिक आ गया ये भी आ गया ये भी आ गया ठीक है फोर का क्या इन तीनों से पॉसिबल है नहीं है अब एल इक्वल टू थ्री में लूंगा तो यहां पे ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि हम का कॉमन है तो थ्री का कॉमन होगा ही थ्री का इनमें भी कॉमन है एबीसी एबीसी तो इनको मैं एक ग्रुप कर दूंगा ए बी सी डी ई ये एक ग्रुप हो गया तीसरा ठीक है तीन का भी हो गया अब एल इक्वल टू टू देखते हैं तीन का है तो दो का ऑटोमेटिकली हो गया ऑटोमेटिकली हो गया ऑटोमेटिकली हो गया यहाँ पे भी L इक्वल टू वन पांच का है चार का है तीन का है ऑब्वियसली वन का भी होगा वन का भी होगा यहाँ पे भी वन का भी होगा कॉन्ट्रीब्यूशन तो वन लेंथ की जो कॉमन सबस्ट्रिंग थी वो कितनी थी ए, ए वन लेंथ की प्रीफिक्स है ठीक है यूनिक एक ही है इसकी काउंट कितनी है इन तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम कितना होना चाहिए थ्री हो रहा है कि नहीं यहाँ पे तीन यहाँ पे तीन यहाँ पे तीन ठीक है ए बी का भी सिमिलरली हो रहा है थ्री का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी ए बी सी का भी हो रहा है फिर यहाँ पे चार का नहीं हो सकता लेकिन यहाँ पे भी हो रहा है यहाँ पे भी हो रहा है और पांच का भी हो रहा है इसका मतलब हमने जो देखा था कि जितनी भी पॉसिबल प्रिफिक्सिस है ठीक है समेशन सी आई अपॉन के फ्लोर वैल्यू ये ये किस तरह से ये मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर है इससे ज्यादा स्कोर तो हो ही नहीं सकता ये हमने देख लिया था तो अगर किसी तरह से हम इस तरह से अगर स्ट्रिंग को बंडल कर दे तो यही हमारा आंसर होगा क्योंकि इसके आगे जाना पॉसिबल ही नहीं है सभी प्रिफिक्स इसका मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें आ गया तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रिफिक्स है जो के से ज्यादा बार रिपीट कर रही है और अगर ऐसी जितनी भी प्रीफिक्सेस है जो के से ज्यादा बार रिपीट कर रही है उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट है उनको अगर हम लेके एक ग्रुप में डाल दें मान लो एल इक्वल टू फोर है तो थ्री टू और वन का तो ऑटोमेटिकली उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया ठीक है अगर ऐसी फिर मान लो नहीं हो रही जैसे यहाँ पे फाइव का भी नहीं हो रहा था फोर का भी नहीं हो रहा था लेकिन थ्री का हो गया अब थ्री का हो गया तो टू का भी हो जाएगा वन का भी हो जाएगा तो अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ uh, की प्रीफिक्स जिसकी काउंट केसेस ज्यादा है इस तरह की को अगर बंडल करना स्टार्ट करें और मूविंग डाउन अगर वन तक जाए तो इस तरह से हम इस तरह से बंडल कर सकते हैं सच दैट कि हमें ये स्कोर मिले क्योंकि वन वाले का भी मैक्सिमम स्कोर आ गया टू का भी मैक्सिमम सी आई बाई के जो पॉसिबल था वो इसमें कवर हो गया थ्री का भी हो गया फोर का भी हो गया फाइव का भी हो गया तो इस तरह से बंडल करना पॉसिबल है यही हमें सिर्फ दिखाना था यही प्रूफ करना था बाकी आंसर निकालना तो बहुत इजी है आई होप कि मैंने ठीक से समझाया है और आपको समझ में आ गया है अब इंप्लीमेंटेशन पे आ जाता है ठीक है कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया इंप्लीमेंट कैसे करेंगे अब देखो एन स्ट्रिंग्स गिवन है ठीक है और हमें काम किसका है प्रिफिक्सिस का है प्रिफिक्स को कंपेयर करना है तो सबसे पहले शॉर्ट कर देते हैं स्ट्रिंग्स को अगर शॉर्ट मैंने कर दिया ठीक है ए बी सी डी ई ए बी सी ई एफ और ए बी डी ई एफ ठीक है अभी मैं लेंथ थ्री की बात कर रहा हूं तो मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया ये इनमें सेम है तो इसको इसके साथ करे मतलब मान लो इतनी स्ट्रिंग्स में कॉमन प्रीफिक्स है थ्री लेंथ का तो ये जो स्ट्रिंग होगी उसमें हम किसी एक को ही कंपेयर करेंगे यहां पे जो आखिरी वाला होगा उसको ही कंपेयर कर देंगे पूरे को वापस करने की जरूरत नहीं है शॉर्ट करने से ये बेनिफिट होगा अब ऐसा तो होगा नहीं शॉर्ट करने के बाद कि यहाँ पे एबीसी है यहाँ पे एबीसी है यहाँ पे एबीडी है और यहाँ पे ए बी सी आ गया तो हमें दो लूप लगाने पड़ेंगे एन स्क्वायर सभी प्रीफिक्स को कंपेयर करने के लिए उससे बेटर है अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो मान लो अगर ऐसी कोई स्ट्रिंग भी है ए बी सी एक्स वाई तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी ये नीचे आ जाएगी ए बी डी एफ तो इसको हम एक ही लुक में फिर कंपेयर कर सकते हैं मतलब कि यहां तक कंपेयर किया है, यहां पे अगर इक्वल नहीं है तो ब्रेक कर देंगे क्योंकि इसके आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है अगर इसका और इसका मैच नहीं हुआ तो आगे तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि शॉर्टेड है तो सबसे पहले तो शॉर्ट करना है स्ट्रिंग्स को ठीक है फिर क्या करना है फिर जो मैक्सिमम फिर मान लो m है वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है कोई भी ये जो एन स्ट्रिंग्स है उसमें से मैक्स उस लेंथ की जो भी स्ट्रिंग है वो एम है तो एल इक्वल टू वन से लेके एम तक जाना है और सभी यूनिक प्रीफिक्स प्रीफिक्स को देखना है कि वो कितने में काउंट होते हैं तो मान लो ये एन स्ट्रिंग्स है ठीक है एल तो इक्वल टू थ्री की मान लो हम बात कर रहे हैं थ्री लेंथ के प्रीफिक्स की तो इतने में हमने कंपेयर किया इतने में सेम आया फिर यहाँ पे सेम नहीं आया तो शॉर्टेड स्ट्रिंग्स है से, इसलिए अगर यहाँ पे सेम नहीं आया इनसे ये और इस स्ट्रिंग का और इस स्ट्रिंग का अगर मैच नहीं हुआ तो ऑब्वियसली इसका और इसका भी नहीं होगा क्योंकि शॉर्टेड है तो यहाँ पे मान लो काउंट आया C1 फिर हम इसको नीचे से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आया C2 टू यहाँ पे आया C3 तो वन बाई के प्लस सी टू बाई के प्लस सी थ्री बाई के ठीक है तीन अलग अलग प्रीफिक्सेस थे लेंथ इक्वल टू थ्री के तो इनका कंट्रीब्यूशन इतना आ गया ठीक है क्योंकि उनके काउंटिंग सी वन सी टू सी थ्री थे तो इस तरह से जितने भी यूनिक प्रीफिक्सेस है पर्टिकुलर लेंथ के वो हमें काउंट करने हैं, और एल इक्वल टू वन से लेकर मैक्सिमम लेंथ तक जाना है ठीक है तो इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे कोड मैंने कमेंट में दिया है तो वो भी क्लियर हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोला है कि टेस्ट केसेस इतने हैं एन इतने है, के ये सब ठीक है आखिर में बोला गया है कि जो सेकेंड टेस्ट केस है उसमें कि सम ऑफ ऑफ ऑल ऑल द द कैरेक्टर्स गिवन स्ट्रिंग मतलब टेस्ट केसेस नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स और अगर मैक्सिमम लेंथ एल भी मान ले तो वो टू इंटू टेन की पावर सिक्स से कम है तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी टेस्ट केसेस अभी हम इक्वल टू से लेके तक जाएंगे, ठीक है? एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में हम वन लेंथ भी देखेंगे एन स्ट्रिंग्स है, ठीक है अभी एक स्ट्रिंग मतलब दो स्ट्रिंग को अगर कंपेयर करना है मान लो वन लेंथ को कंपेयर करना है मान लो नहीं ठीक है थ्री लेंथ को कंपेयर करना है तो थ्री लेंथ तक वन टू थ्री तीनों को कंपेयर करना पड़ेगा अब फोर्थ को कंपेयर करना है सेकेंड लुक में तो वापस फर्स्ट को भी कंपेयर करेंगे सेकेंड को भी करेंगे थर्ड को भी करेंगे फोर्थ को भी करेंगे एक ये भी आइडिया दिमाग में आ सकता है कि इसको मैप में स्टोर कर दे और फिर लेकिन उससे मेमोरी लिमिट एक्सीड हो जाएगी बहुत सारा बहुत मेमोरी हो जाएगी तो हमें क्या करना है जब हम फोर्थ लेंथ को कवर कर रहे हैं, तब तो वापस वन से कंपेयर करना है मतलब यहाँ पे इनको कंपेयर किया इनको कंपेयर किया इनको कंपेयर किया अब इनको हम कहीं स्टोर नहीं कर रहे तो जब फोर लेंथ का करेंगे तब तो वापस सबको कंपेयर करेंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा अप टू तो वो क्या हो जाएगा एल इंटू एल प्लस वन बाई टू अब एन इंटू एल इन टू टेस्ट इंटू टेन की पावर सिक्स से कमी दिया गया है अब ये क्रॉस चेक करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट हमारे पास है नहीं लेकिन इससे बेटर हो भी नहीं सकता और इसको आप रन करेंगे तो पास भी हो जाएगा ठीक है इतना तो हमें दिया है कि टू इन टू टेन की पावर सिक्स है बट ये कोई क्रॉस चेक करने का हमारे पास तरीका ही नहीं है बट इससे बेटर भी नहीं हो सकता एक तरीका है कि आप मैप में स्टोर कर लो लेकिन मैप में स्टोर करेंगे तो मेमोरी लिमिट एक्सीड आ रहा है वो मैंने ट्राई किए तो वो भी नहीं कर सकते अब एग्जाम्पल देख लेते हैं रब करना पड़ेगा देखो यहां पे रेन बॉल फायर बॉल रैंक रैंडम फायर वॉल और फायर फाइटर ठीक है अब देखो मैक्सिमम लेंथ क्या है इलेवन है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन ठीक है, वन लेंथ के यूनिक क्या है आर एफ आर आर एफ एफ तो आर और एफ ठीक है ये भी तीन है ये भी तीन है, के कितना दिया गया है एन सिक्स है और के थ्री है तो थ्री बाई थ्री वन थ्री बाई थ्री वन इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा वन इसका भी क्या होगा वन तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया है टू वन लेंथ का कितना हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन टू तो टू प्लस अब टू लेंथ की बात करते हैं आर ए एफ आई आर ए है एफ आई है, है इसका भी वन इसका भी वन आर ए टू आर ए थ्री एफ आई टू एफ आई थ्री वापस इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन टू आएगा ठीक है अब थ्री लेंथ का देखते हैं आर ए आई आर ए एन आर ए एन ठीक है तो आर ए आई आर ए एन एफ आई आर एफ आई आर एफ आई आर तो ये कितना है वन ये कितना है टू ये कितना है थ्री तो वन बाई थ्री का फ्लोर मतलब ये जीरो ये भी जीरो ये वन तो थ्री लेंथ का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया वन 4 लेंथ का देखते हैं अब 3 लेंथ का अगर r r आर वाले टर्म्स में से जीरो हो गया तो 4 का तो ऑब्वियसली जीरो होगा तो इसको हम आगे कंपेयर ही नहीं करते हैं ठीक है थीका? अब firi -E, firi -E, firi ठीक -E, है तीनों में कॉमन है काउंट क्या है 3 3/3 क्या हो गया 1 तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया 1 ठीक है अब 5 लेंथ की बात करते हैं firgb -E एफ आई आर ई एफ एफ आई आर ई डब्ल्यू इसकाउंट वन इसका अकाउंट वन इसका अकाउंट वन इसका वन बाई थ्री सीरो वन बाई थ्री सीरो वन बाई थ्री सीरो तो प्लस जीरो और अगर सिक्स का फाइव का जीरो है तो इन सब का जीरो ही होगा तो हमारा आंसर क्या हो गया टू प्लस टू फोर प्लस टू सिक्स तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और कोड मैंने नीचे कमेंट में प्रोवाइड किया है थैंक यू